हेलो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवांशु में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल टेक्नोलॉजी का। केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में तो इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डाल दूंगा। तो ये पहली वीडियो होगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले आज हम लोग पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फिर शुगर इंडस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, मैन्युफैक्चरर पढ़ना है, शुगर का कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, और वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पढ़ना है, और पॉल्यूशन अमेंडमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली हमको इसमें से केवल तीन चीज़ें पढ़नी है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लेना है उसका, फिर वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पढ़ लेना है, और पॉल्यूशन अमेंडमेंट पढ़ लेना है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें हम लोग को पढ़नी है शुगर इंडस्ट्री में। तो शुगर इंडस्ट्री को हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है कि पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि शुगर होता क्या है। शुगर क्या होता है कि क्रिस्टल, देख रहे हैं, क्रिस्टल सॉलिड सब्सटेंस, मतलब कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है जो कि क्रिस्टल में है तो वो क्या होगा, शुगर होगा, ठीक है। पहले लिक्विड में रहता है, लिक्विड से हम लोग उसको सॉलिड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल सॉलिड सब्सटेंस जो क्रिस्टल सॉलिड सब्सटेंस होगा वही होगा शुगर, ठीक है। तो शुगर का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला, क्योंकि हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हमको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो C12H12O11 होता है, जो कि ग्लूकोज और फैक्टोज दोनों, जिसमें ग्लूकोज और फैक्टोज होते हैं, ठीक है। तो अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है कि शुगर सॉलिड सब्सटेंस होता है, और ये इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये हाइड्रोलाइजेबल होता है, मतलब कि ब्रेक्स इन वाटर, मतलब कि वाटर में ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये जैसे लिखा है शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये इसका रॉ मटेरियल जान लेते हैं, रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल में क्या होता है, शुगर केन ले लेते हैं या तो बीट रूट ले लेते हैं, ठीक है। शुगर केन तो आपको पता होगा, बीट रूट वो चुकंदर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी लोकेशन जान लेते हैं, लोकेशन क्या होता है कि लोकेशन में हम लोग, इट इज़ लोकेटेड नियर द फील्ड ऑफ शुगर फील्ड, देयर आर मेनली टू रीजन, ठीक है। तो लोकेशन में हम लोग इसलिए इसको पास में रखते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि हमको गन्ना है, गन्ना को जैसे अब ले जाना है कहीं से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ गन्ना होता है, ग्रो होता है, और यहाँ पे इंडस्ट्री लगा देंगे तो ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसको पास में लगाएंगे, यहीं लगाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का बच गया, ठीक है। और एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, मतलब एफर्ट का मतलब कि लेबर कॉस्ट जो होता है, लेबर कॉस्ट भी कम लगेगी हमारी, तो इसलिए हम लोग इसको पास में लगाते हैं, जहाँ पे जैसे कि शुगर केन फील्ड जहाँ पे होती है। मान लीजिए हम यहाँ पे गन्ने उगा रहे हैं तो उसके पास में ही हम लोग इसका क्या बोलते हैं, शुगर इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप जान लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टेप क्या होता है, पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, मतलब शुगर केन से हम लोग पहले जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसको हम लोग कॉन्सनट्रेट करते हैं, कॉन्सनट्रेट मतलब कि उसको हम लोग सांद करते हैं, ठीक है। सांद करने के बाद उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, क्रिस्टल में चेंज करते हैं, उसके बाद क्रिस्टल को हम लोग रिफाइन कर लेते हैं और हमको शुगर मिल जाती है, ठीक है, हमको शुगर मिल जाती है। तो अभी हम लोग उस क्या बोलते हैं, फ्लो शीट देख लेते हैं, फ्लो शीट में कैसे क्या होता है। तो आइए फ्लो शीट देख लेते हैं, उसमें क्या कैसे होता है। तो फ्लो शीट देख लेते हैं, फ्लो शीट क्या कैसी है। तो यहाँ से हम लोग शुगर केन को रोल में डालते हैं, रोल तीन रोल लगे होते हैं, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, रोल का क्या काम होता है, रोल का काम होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, मतलब कि जूस को निकालना, ठीक है, शुगर केन से। उसके बाद जो कुछ बच जाता है, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग ने देखा होगा जहाँ पे आप जूस वगैरह पीने जाते हो तो वो 3-4 बार रोल में डालता है, तो वही यहाँ पे भी होता है कि 1 बार 2 बार 3 बार डाला, उसके बाद जो बचता है, मान लीजिए कुछ बच गया तो ये लास्ट वाले रोल में आता है, तो वहाँ से भी वीक लिकर, मतलब कि वहाँ से निकलता है जो जूस होता है, वहाँ से निकलता है, तो फिर हम इसको इस रोल में डाल के फिर से हम लोग एक बड़े से टैंक में ले जाते हैं। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस होगा। तो पहले शुगर केन को हम लोग रोल में डालेंगे, मल्टीपल रोल में डालेंगे, उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे जूस को, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यहाँ से देखिए शुगर केन को मल्टीपल रोल में डाला गया, वहाँ से जूस को एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है।
एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस के बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको एक बड़े से टैंक में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सा मान लीजिए ये टैंक है एक बड़ा सा, इसमें हम लोग जूस को डालेंगे और लाइम डालेंगे, लाइम डालेंगे और ठीक है, और लाइम इसलिए डालते हैं, लाइम और चूने चूना ठीक है, लाइम और चूना इसलिए डालते हैं क्योंकि जो जूस में गंदगी होती है उसको हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो होगा क्योंकि जूस में एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस के बाद उसमें से बैगेज निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग बैगेज ले लेंगे जिसको हम लोग आगे काम में ले लेंगे। ठीक है, बाई प्रोडक्ट, ये एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, बैगेज, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुगर केन से पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस किए, उसके बाद यहाँ से बैगेज निकाल लिए, यहाँ से बैगेज को निकाल लिए। ठीक है, और जो जूस आएगा वो एक बड़े से टैंक में आएगा, टैंक में ये एजिटेटर होता है। ठीक है, एजिटेटर होता है, और ठीक, तो यहाँ से हम लोग लाइम और चूने को मिक्स करेंगे एक बड़े से टैंक में जूस में, और इसके बाद यहाँ पे स्टीम देंगे, स्टीम देने के बाद वो उसमें से जो प्यूरिफिकेशन कर लेंगे, मतलब कि जूस का जूस में जो गंदगी होगी तो उसको हम लोग निकाल लेंगे, और उसके बाद उसको इवेपोरेटर में भेज देंगे। मल्टीपल इवेपोरेटर रहता है, 3 से 4 इवेपोरेटर रहता है, मैंने एक बनाया है, आप लोग बना लीजिएगा, 3 से 4, 3 से 1 भी बना देंगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 इवेपोरेटर लगे होते हैं जिसमें से हम लोग जूस को निकालते हैं। ठीक है, इवेपोरेटर का यही काम होता है कि जूस से जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर कर देता है। ठीक है, उसके बाद वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजर में ले जाते हैं। वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजर में क्या होता है कि जो शुगर होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होता है। शुगर जो होता है, मान लीजिए यहाँ से आया, ठीक है, तो यहाँ से एक वो कॉन्सनट्रेट हो गया, कॉन्सनट्रेट होने के बाद यहाँ से वैक्यूम के थ्रू हम लोग उसको क्रिस्टल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल में चेंज करने के बाद हम लोग उसको सीधा भेजते हैं हाई बास्केट सेंट्रीफ्यूगल में, और यहाँ से क्या होता है कि अभी इसमें से मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्रिस्टल में चेंज कर लिए, बट क्रिस्टल क्या होगा, गंदा होगा क्रिस्टल, तो उसको हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए यहाँ एक बार प्यूरिफिकेशन हुआ, उसके बाद यहाँ से हम लोग ने उसको कॉन्सनट्रेट किया, और कॉन्सनट्रेट करने के बाद फिर क्रिस्टल में चेंज किया। अब क्रिस्टल में चेंज करने के बाद उसको हम लोग को प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी वो तभी आपको वो वाइट दिखती है। तो यहाँ से हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ से सॉलिड क्रिस्टल मिल जाएगा, और यहाँ से मॉल्टन लिकर मिल जाएगा, ये भी एक बैगेज है। ठीक है, तो हमको इसमें से 3 बैगेज मिलते हैं, आपको याद होना चाहिए, 3 बैगेज, एक ये बैगेज, और मतलब बाई प्रोडक्ट, 3 बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, एक बैगेज, एक फर्टिलाइज़र जो केक जो इसमें से निकलेगा, गंदगी इसमें से निकलेगी तो वो एक हो गया, और एक यहाँ पे मॉल्टन लिकर निकलेगा, तो 3 इसमें से निकलेंगे बाई प्रोडक्ट। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने बाई प्रोडक्ट निकलते हैं शुगर इंडस्ट्री में, तो आपको 3 याद रखना है, बैगेज और केक टू फर्टिलाइज़र, मतलब यहाँ से जो निकलेगा, मान लीजिए देखो पहले एक एक्सट्रैक्शन में निकल जाएगा एक बाई प्रोडक्ट, और एक आपका प्यूरिफिकेशन में निकलेगा, और एक कहाँ से निकलेगा, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस में निकलेगा, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल में निकलेगा, तो 3 होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक एक्सट्रैक्शन में निकलेगा, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस में, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल में। तो ये रहा फ्लो शीट शुगर इंडस्ट्री की, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो शुगर केन आएगा यहाँ से रोल के थ्रू, मल्टीपल रोल के थ्रू, यहाँ से बैगेज निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग जूस डालेंगे जिसमें लाइम और चूना डालेंगे, और उसको एजिटेटर से हम लोग मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसमें से हम लोग फिर से एक बैगेज निकालेंगे, बाई प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद इसमें मल्टीपल इवेपोरेटर से इसको पास करवाएंगे जिसमें से उसका वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद हम लोग वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजर में डालेंगे जिसमें से वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होगा, क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होने के बाद उसको हाई बास्केट सेंट्रीफ्यूगल में डालेंगे जिसमें से हमको मॉल्टन लिकर मिलेगा और शुगर क्रिस्टल मिलेगी जो कि एकदम प्यूरिफाइड होगी और हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्लो शीट, जो कि मैं इसकी PDF में आप लोग को पूरा इस पूरे केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के जितने 6 इंडस्ट्री हैं, मैं 6 के 6 का PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी ये शुगर इंडस्ट्री का फ्लो शीट हो गया, अभी हम लोग को क्या देखना है, 2 चीज़ और देखना है, वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम और पॉल्यूशन अमेंडमेंट, तो उसको भी आइए देख लेते हैं जल्दी से। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इसका
आपको लिखना पड़ेगा उसमें। मान लीजिए उसमें आ गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लिखिए। तो आपको जो मैंने ये बताया ना, ये प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, तो इसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा। मैंने भी लिखा है उसको, मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपको खुद से लिखोगे तो आपको खुद से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो मैंने बताया कि यहाँ से हम लोग मल्टीपल रोल से हम लोग जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद बैगेज बैगेज निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बड़े से टैंकर में चूना और नींबू लाइम को मिलाते हैं, तो उसके बाद उसमें से भी एक बैग बाई प्रोडक्ट निकलता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस हो जाता है। उसके बाद मल्टीपल इवोपरेटर में, 3 से 4 इवोपरेटर में हम लोग उसको पास करवाते हैं। पास करवाने के बाद उसको वैक्यूम पैन क्रिस्टलाइजर में हम लोग डालते हैं, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होता है। क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होने के बाद उसको हम लोग हाई बास्केट सेंट्रीफ्यूगल में डालते हैं, जहाँ से वो माल्ट लिकर और शुगर क्रिस्टल आ जाता है, फॉर्म में मिल जाता है, शुगर क्रिस्टल प्यूरीफाई फॉर्म में मिल जाता है। तो यही होगा फ्लो शीट, आपको इसको अपने से लिखना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या लिखा है, ये देख सकते हैं। पहले मैंने क्या लिखा है, देयर आर 5 प्रोसेस टू मेक शुगर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, सेकेंड प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस, ठीक है। तो ये लिखा है, आप लोग देख लीजिए या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस हो गया, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस हो गया। पहले हम लोग इसमें प्रेशर फेसलेशन लगाते हैं, फास्फोरेशन करते हैं, फिर सल्फोनिफिकेशन करते हैं, फिर कार्बोनाइजेशन करते हैं। तो इससे क्या होगा, तो ये देख लीजिए, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस में हम लोग कौन कौन सी प्रोसेस करते हैं, इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। तो इवोपरेशन थर्ड प्रोसेस हो जाएगा, इवोपरेशन या कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। और ये हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ क्रिस्टल एंड शुगर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस हो जाएंगे, 5 प्रोसेस से बनता है शुगर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम और पॉल्यूशन मैनेजमेंट। तो मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन। तो पहला मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन। तो इसमें क्या होता है, व्हेन वी एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम शुगर केन वी टेक केयर ऑफ ऑपरेशन, मतलब इसमें हम लोग को जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस करते हैं मल्टीपल रोल से, तो हमको उसमें जो ऑपरेशन करते हैं कि जैसे हम लोग निकालते हैं रोल से, तो उसको हम लोग को टेक केयर करना पड़ेगा। अगर इधर उधर होगा तो रोल फंस भी सकते हैं, फंस जाते हैं रोल में, तो उसको हम लोग को टेक केयर करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को एक ऑपरेटर रखना पड़ता है, तो ये ऑपरेशन में हम लोग को टेक केयर करना पड़ता है। उसके बाद चॉइस ऑफ लोकेटेशन एजेंट, मतलब कि जब हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन कंप्लीट होती है, तो उसमें जो जैसे हम लोग ने लाइम मिलाया, ठीक है, लाइम चूना मिलाते हैं, तो उसको हम लोग देखना पड़ेगा कौन सा बढ़िया होगा कि जल्दी से प्यूरीफाई कर देगा जूस को। तो हमको उसको भी फ्लोकेटेशन एजेंट को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। और वेपराइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सुक्रोज जो क्रिस्टल होते हैं वो फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसको हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करके लिक्विड फॉर्म से क्रिस्टल में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, केन हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बताया था ना कि केन हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। अगर पास में इंडस्ट्री लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में बच जाएगा, पास में इंडस्ट्री लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में कम कॉस्ट होगा, ठीक है। और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाटर वेस्ट होता है तो उसको हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। कैसे हम लोग मैनेज करेंगे उसको, वाटर को, जैसे इवापोरेशन के बाद वाटर जो निकलता है वेपर फॉर्म में, तो उसको हम लोग को स्टोर करके दोबारा यूज करेंगे, तो इस तरह में वाटर का भी मैनेजमेंट होगा। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ते हैं उसको भी रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पॉल्यूशन अमेंडमेंट देख लेते हैं, पॉल्यूशन अमेंडमेंट क्या कितने होते हैं। तो इसमें हम लोग वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, पॉल्यूशन अमेंडमेंट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर लेंगे। इफिशियंट एनर्जी यूज करेंगे, इफिशियंट एनर्जी मतलब ज़्यादा एनर्जी का यूज नहीं करेंगे। बैगेज का यूटिलाइजेशन कर लेंगे, बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर लेते हैं, जो सॉलिड वेस्ट बाय प्रोडक्ट निकलते हैं उसको हम लोग को मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो पॉल्यूशन हो जाएगा। और वेस्ट वाटर जो होगा उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और जो एनर्जी होगी इफिशियंट उसको यूज करना होगा, और बैगेज का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, और बायोगैस का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, ये 5 इन पॉल्यूशन अमेंडमेंट है, इसको आप लोग खुद से लिखेंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे वेस्ट वाटर, जैसे इवोपरेशन में मल्टीपल इवोपरेटर लगे रहते हैं, उसमें से हम लोग वाटर को इवोपरेट करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग वेपर से फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज करके उसको फिर से यूज कर लेते हैं, तो इसको आप लोग खुद से लिखेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया हेडिंग कैसे क्या आपको करना है, ठीक है। तो ये मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो गया,
5, 6, और ये पॉल्यूशन मैनेजमेंट हो गया। तो इतना ही है शुगर इंडस्ट्री में, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहला आपका ये हो गया पॉल्यूशन मैनेजमेंट हो गया, मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो इतना ही है शुगर इंडस्ट्री में, और फ्लो शीट आपको याद करनी पड़ेगी, 3 से 4 बार बनाएंगे फ्लो शीट तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ हो गया है आपका, शुगर इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई है। और मैं इसका शुगर इंडस्ट्री पूरा केमिकल टेक्नोलॉजी जिस 6 के 6 इंडस्ट्री है, मैं सबका आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग बस मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डाल दूंगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं PDF दे दूंगा पूरा केमिकल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।